तरफ ये शेड्यूल कास्ट को जो विक्टिम परिवार के लोग हैं, अगर 7 लाख रुपया मिल जाता तो शायद मरने वाली मर गई, उनके साथ जो घटना घटी, परिवार के अन्य लोग जो 4 बच्चे और बच्चियां हैं और एक घर जो इंदिरा आवास लगता है 20 वर्ष पहले बना है, उसी में वो एस्बेस्टस डाला हुआ है, चारों ओर से हवा आ रही है, रोशनी भी आ सकती है, वर्षा का पानी कहाँ तक रुकता होगा वो समझने की चीज़ है, क्योंकि हम घर में जा कर के ही बात किया, न केवाड़ है न खिड़की है, तो वो 7 लाख रुपया मिलता तो उससे उनका कल्याण हो जाता। इस तरह से दो तरफा हम कहते हैं फिर कि पुलिस पदाधिकारी जो हैं वो इस तरह का गलत काम किए हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। अगर CID जांच करे ठीक है, हम गरीब का मामला है, CBI की बात करेंगे तो लोग कहेगा कि ये तो बड़ी बात नहीं है, एक गरीब का अस्मत लूटी है, मर्डर हुआ है, अगर यही किसी दूसरे प्रभावशाली आदमी के साथ ऐसी घटना घटती तो तुरंत CBI की मांग होती, लेकिन हम नहीं CBI की मांग करते हैं, हम CID की मांग करते हैं। और इसका कारण वो बैकग्राउंड देते हैं, जो यहाँ का वर्तमान SP हैं वो गया जिला से आए हैं, गया जिला मेरा घर है, वहाँ हमारा कार्य क्षेत्र है, हमको स्मरण है कि बोधगया यूनिवर्सिटी थाना में एक मुसहर की बेटी के साथ हड्डी फैक्ट्री के लोगों ने बलात्कार किया, गैंग रेप किया, बच्ची को एक तरह से अधमरा छोड़ करके पैन में नहर में बिक दिया, परिवार लोग लाए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में एक पूर्व MLA के सामने उसने स्वीकारा है कि अमुक आदमी हमारे साथ बलात्कार किया, वो बलात्कार अगर 20 घंटा के अंदर अगर उसका पोस्टमार्टम हो जाता सरकारी क्या कहते हैं मेडिकल तो सामने बात आ जाए, लेकिन 8 दिन तक यही SP साहब ने उसको मेडिकल जांच कराने से रोक दिया और उस केस को छीना झपटी का केस में इन्होंने परिणत कर दिया, और छीना झपटी के केस के बाद उसको 25,000 रुपये का मिला है, और जो मेन कल्प्रिट था पैसा दे दिया, तो हड्डी फैक्ट्री के एक चपरासी को उसमें इन्वॉल्व कर दिया और जितने उसमें जो अत्याचारी थे उनका नाम हटा दिया, और आज स्थिति वहाँ क्या है कि वो चपरासी गायब है, यानी उस केस का कोई माने नहीं रह जाता। तो कहने का मतलब ये जो वर्तमान SP यहाँ के हैं ऐसा केस को डाइवर्ट करने में पैसा ले करके ये माहिर है, इसीलिए इस केस में भी हमको लगता है कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष नहीं रहा, ये बलात्कारियों से पैसा लिया है और शेड्यूल कास्ट को नहीं राहत पैसा मिले इसके लिए भी ये काम किया है, दोनों तरह से उसने लाभान्वित होने का काम किया है, ये मेरा चार्ज है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस बात को, मेरी बात को अगर ले आते हैं पब्लिक डोमेन में तो भी शुक्रिया। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट होता है कि घटना घट गई तो रिलीफ क्या मिलना चाहिए, तो हम तो समझते हैं वो महिला 45 वर्ष की थी, उसको नियमतः कबीर अंत्येष्टि योजना में लाभान्वित करना चाहिए था, वो 3,000 रुपया का प्रोविज़न है, मुखिया के पास पैसा होता है, रिवॉल्विंग फंड होता है, वो कहीं से भी दे लेकिन देने का प्रावधान है। ये गरीब लोग जिसकी हत्या हुई, आज भी लोग ने कहा कि हम उसका क्रियाकलाप इसलिए नहीं करेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, जब पैसा होगा तो उसका क्रियाकलाप करेंगे, तो अगर 3,000 रुपया मिल जाता तो दाह संस्कार होता, वो भी नहीं हुआ। दूसरी बात, यहाँ का सिविल प्रशासन कितना संवेदनशील है कि पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत उसको 20,000 रुपया मिलना चाहिए, देन एंड देयर, अगर ये लोग प्रभावशाली होते तो रोड जाम करते, और रोड जाम करते तो निश्चित है कि तुरंत उसको चेक मिल जाता और उसके बाद पारिवारिक लाभ उसको मिल जाता। आज 14 तारीख की घटना है, आज हम लोग 19 मई हैं, इसके बावजूद भी पारिवारिक लाभ योजना का न मिलना, ये सिविल प्रशासन इंक्लूडिंग कलेक्ट्रिएट यानी कलेक्टर साहब का, DM साहब की संवेदनहीनता का एक उदाहरण है कि अभी तक उसको कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ नहीं मिला, पारिवारिक लाभ योजना नहीं मिला, कोई सरकारी तंत्र वहाँ पूछने भी नहीं गया, एक राजद के कार्यकर्ता वहाँ गए हैं
उसके अलावा न सरकारी पक्ष के लोग गया और न सरकारी तंत्र के लोग गया। हम कहते हैं कि अगर यही किसी दूसरे के घाट होती तो लोग वहाँ जाता, पुलिस कैंप होता, सारी बात होती, लेकिन यहाँ का जो सिविल प्रशासन है वो भी इतना संवेदनहीन है कि इतना दिन के बाद भी वो नहीं जा सकते। ये घटना से संबंधित है। और तीसरा लाभ उनको मिलना चाहिए, नियम है 18 वर्ष से लेकर के 58 वर्ष के बीच में कोई कामकाजी महिला या कामकाजी पुरुष दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त होता है, मृत्यु हो जाती है, मार देता है कोई, तो उसको लेबर विभाग के द्वारा, श्रम विभाग के द्वारा 1,00,000 रुपया मिलता है। तो ये 45 वर्ष 50 वर्ष की थी यानी उस प्रिव्यू में आती है, तो अगर प्रशासन यहाँ सचेत होता तो समायुक्त को आदेश देते यहाँ के कलेक्टर और उसको कम से कम 1,00,000 रुपया मिल जाता, नहीं तो मिलने का क्रम था। कहने का मतलब तीनों प्रकार के रिलीफ का काम से इस परिवार को, काजल देवी के जो पति है नंद कुमार राम और उसके बच्चे को महरूम रखा गया है। इसलिए हम चार्ज करते हैं, एक तरफ पुलिस प्रशासन संवेदनहीन है और एक स्तंभ है कि इन्वेस्टिगेशन का दिशा को बदल दो पैसा कमाने के लिए, और दूसरे तरफ सिविल प्रशासन भी संवेदनहीन है कि ये तीनों प्रकार के लाभ जो दिव्य है उससे उसको वंचित रखा है। हम मांग करना चाहते हैं कि अभी भी चेते, और यहाँ पर तो और हम बात कहेंगे लेकिन अभी प्रशासन से ही कह रहे हैं कि वो चेते, अब आप लोग दिखला दीजिएगा, आज आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं चैनल के लोग, जो ऐसे ऐसे मुद्दों को आप लोग इजार करते हैं तब सरकार के कान में हवा जाती है, जुनून देखता है और तब कुछ काम करते हैं, शायद इसका भी लाभ उनको मिले, इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं। तीसरी चीज़ जो वहाँ हमने देखा, हम पूछना चाहते हैं कि आपका साथ निश्चय कहाँ है, कहाँ आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। खोपिरा गांव बहुत इम्पोर्टेंट गांव है, वहाँ 80 परिवार सिडुल कास्ट के लोग है। हम तो कहते हैं माननीय नीतीश कुमार को कि अगर हिम्मत है तो उस गांव में जाके आधा घंटा वो रहें, तो हम समझते हैं कि सचमुच वो सामाजिक न्याय के आदमी। इतनी गंदगी है, न नली है, न गली है, न इंदिरा आवास, जो बनना चाहिए वही है 20 वर्ष पहले का बना हुआ। और हद तो है कि जब वेलफेयर डिपार्टमेंट का हम प्रभारी मंत्री थे उस समय हर शेड्यूल कास्ट वाला में एक शेड, सामूहिक भवन सा शेड बनाने का काम किया था 5,00,000 रुपया के यह से, वो भी यहाँ पर स्वीकृत था। हम देखे हैं कि ढलैया हो गई है लेकिन वो